सालाबाद प्रमाणे यावर्षी कोरोनाच्या काळात बाहेर पडत असताना आज पिंपरी येथील सर्व गुरुद्वार व्यवस्थापन आणि सर्व मंदिर व्यवस्थापन यांनी आज दिनांक 14 पासून 19 तारखेपर्यंत म्हणजे गुरुनानक जयंती निमित्त विविध प्रकारच्या कार्यक्रमांचे आयोजन देखील करण्यात आले असून त्याची सुरुवात आज सकाळी 5:30 वाजता महाप्रभात फेरी काढून केली। यात सत्संगाचे लंगर प्रभात फेरी अशा विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे। आजच्या महाप्रभात फेरीमध्ये शीख आणि सिंधी समाजाच्या अनेक संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्ते एकत्र आल्याचे दिसून आले। तसेच दोन्ही समाजाच्या अनोख्या मिलनाचे दर्शन यावेळी दिसून येत होते। प्रभात फेरीचे विविध ठिकाणी स्वागत करण्यात येत होते। तसेच पिंपरीतील माजी उपमहापौर आणि नगरसेवक डबू आसवाणी यांनी स्वतः क्रेनचे आयोजन करून श्रद्धेय गुरुनानक यांच्या प्रतिमेवर व सहभागी झालेल्या शीख आणि सिंधी समाज बांधवांवर पुष्पवृष्टी केली। या फेरीच्या आयोजनामध्ये विश्व सिंधी सेवा संगम या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या पदाधिकारी आणि संस्थेच्या सदस्यांचा समावेश होता। नियोजनाबद्दल बोलताना पिंपरी शाखेचे अध्यक्ष मनोहर जेठवाणी म्हणाले, गेल्या 1.5 वर्षाच्या कोरोना काळानंतर यावर्षी सिंधी आणि शीख समाजामध्ये गुरु नानक जयंती अधिक जोमाने करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज दोन्ही समाज बांधव मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झालेले आहेत। तसेच पिंपरीमधील सर्व समाज कायम सगळे सण एकत्र येऊन आनंदात साजरा करतात। पिंपरीमध्ये कायम एकात्मतेचे दर्शन अनुभवायला मिळते। हा प्रभात फेरीच्या यशस्वीतेसाठी दोन्ही समाजातील अनेक संस्था सामाजिक कार्यकर्ते यांनी प्रयत्न केले। पाहूयात मनोहर जेठवाणी काय म्हणाले। आपल्या सोबत आता पिंपरी चिंचवड येथील सिंधी संघाचे अध्यक्ष मनोहर जेठवाणी जी आहे, आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। जेठवाणी जी, आज सकाळी जी पिंपरी चिंचवड मध्ये गुरुनानक जयंती निमित्त जी प्रभात फेरी निघाली, याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? हमारा ये जो फेरी निकला सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक, उसमें हमारा एक मकसद था कि हम जो सिंधी समाज के जो भी गुरुद्वारे हैं पिंपरी में, पंजाबी गुरुद्वारे हैं और मंदिर है, सबको मिला के एकत्रित करने का था। क्योंकि हमारे जो समाज है पिंपरी में, सब बाहर से आए हैं, पाकिस्तान से, इधर अलग अलग गुरुद्वारे हैं, सब अलग अलग संस्था काम करती है। तो इसका मकसद था कि हम एक साथ आके कि एक शक्ति प्रदर्शन करें कि हम लोग सब एक हैं। उसमें सब हमारे को सिंधी समाज, सिख समाज, काफ़ी जातियों के लोग थे हमारे समाज में, जो अलग अलग जाते हैं वो भी सब एक साथ आके सब ने मांग लिया। सुबह 5 बजे लेडीज़, जेंट्स, बुढ़े, बच्चे, 5 साल से बच्चे से लेके 105 साल की औरत भी इसमें सहभाग हो गई थी। और सुबह से लेके हम लोग यहाँ से सुख सागर गुरुद्वारे से मूल सिंह दरबार, मूल सिंह दरबार से लेके शगुन चौक, शगुन चौक से लेके मेन बाज़ार होते पूरा घूम के वापस आए। बीच में लोगों ने हमारा भव्य स्वागत किया। यहाँ हमारे नगर सेवक डब्बू आसवानी ने एक भव्य क्रेन मंगाया था, ऊपर से फूल डलवाए, और डब्बू आसवानी ने हमको आश्वासन दिया है अगले साल भी आप करेंगे तो मैं हेलीकॉप्टर से आपका स्वागत करूँगा। और बाकी जो भी है समाज काफ़ी एकत्र करने के लिए अभी हमने ये सोचा है जो भी हमारे मेले ये होएंगे सब साथ में मनाएंगे। हमारा मकसद ये है, हमारा विश्व सिंधी सेवा संगम का मकसद ये है कि सबको अपने जोड़ के चलने का है। हमने सब गुरुद्वारे में मीटिंग लिया था अदियामा दादा में, तो काफ़ी उन्होंने बोला कि भाई सबको हमको एक करके एक ही निकालने का है। मतलब आने वाले वक्त में जो भी आप सब त्यौहार मनाओगे वो साथ में मनाओगे? हाँ, तो अभी हमारा जो झूलेलाल का चालियों का मेला चलता है जिसमें हर टाइम आते हैं, तो उसमें भी जो चालिया के मेले में भी जो रहेगा तो हम लोग है ना बड़ा जुलूस निकालने वाले हैं, एक तरह निकालने वाले सुबह से राम तक। जो बाबा शत्रुराम का जुलूस निकलता है वहाँ, वो हमारा लोकप्रिय है, 50 साल से निकलता है, तो हम लोग उसमें भी सहभाग होके पूरा हम लोग एक तरह ही निकालने वाले हैं। अभी कोई भी त्यौहार है ना अलग अलग नहीं करने वाले, सब एक साथ में मिला के एक प्रतीक देने वाले कि हमारे पिंपरी में सब साथ में है।